अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मरचुला और यहाँ पे हम रुके हैं अभी नाश्ता करने के लिए। वहाँ पर ना एक बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है, तो वहाँ की आपको सैर कराने वाले हैं। मिनी ऑरेंज, मिनी ऑरेंज बहुत छोटू है और लेकिन मीठे हो रहे हैं ना। तीन तीन अस्की हैं, अस्की पस्की। हाँ, बच्चों को मिल गया है स्विमिंग पूल। कितना अच्छा लग रहा है ना, पहाड़ों में स्विमिंग पूल और बिल्कुल हिमालय के सामने वो भी। So, यहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल चुका है खेलने के लिए और सब एंजॉय कर रहे हैं। So, यहाँ लगा है हमारा लंच एरिया हमारा। ऋत्विक एंड फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल ऋत्विक एंड फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बधाई बहुत बहुत। मैंने एक तारीख को व्लॉग शूट नहीं किया था ठीक से। बस एक मिनी व्लॉग में दिखाया होगा आपको कि हम केक कट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल रहा है काफ़ी टाइम से। बीच में रिद्धिमा के एग्ज़ाम चल रहे थे और आजकल हमारा परिवार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है फिलहाल। तो यहाँ है दीदी और ये हस्बैंड जी बिज़ी हैं और हम लोग जा रहे हैं आज कहीं घूमने और आपको कराते हैं सैर पहाड़ों की। फिलहाल आपको दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम, जो कि हो रहा है बिल्कुल फॉग वाला, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं पहाड़ों में धूप सेकने। हम धूप में जा रहे हैं। आदि बैठ चुका है गाड़ी में, कुछ बच्चे जा चुके हैं ताऊ जी के साथ ऑलरेडी रामनगर तक, और हम लोग भी बस निकलने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हम जाने वाले कहाँ हैं, क्योंकि अभी ठीक से हमें भी नहीं पता है। जैसे ही जाएंगे आपको भी बताएंगे, तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। व्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारी फैमिली हमारी जा रही है आज। चलो तो हम लोग बैठते हैं गाड़ी में। पहले पहुंचेंगे हम रामनगर, भैया और बच्चों को उनके पास जाएंगे और फिर वहां से निकलेंगे। चलो, हमारा आदु महाराज। आदु हाय कर दो। आदु को कोई मतलब ही नहीं है। आदु हाय। पार्टी पहले चले गए। कैसा हाई हो रहा है इसका। यहाँ भर रहा है पेट्रोल। आदि बता दो मुझे, हम क्या भर आ रहे हैं गाड़ी में? ऑटो कट फुल। सो फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर के मार्केट में। तो हस्बैंड जी लेने गए हैं किन्नू वगैरह रास्ते में, सफ़र अपना ठीक करने के लिए। और देखो आदि ना बस ऐसे ही जा रहा है। कैसा लग रहा है आदि को? भी लग रहा है, आदि बड़ा सीरियस लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है ये? ऐसा बच्चों के साथ है? बच्चों के साथ मजा नहीं आ रहा? नहीं, सीरियस नहीं है, कॉमेडी। आज बच्चे सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गए ना घूमी घूमी के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं घूमने बताओ, सबको बताओ। गांव। तो आदि कह रहे हैं हम लोग गांव जा रहे हैं। तो देखो, शायद हम लोग गांव जाएं, और कौन से गांव जाएं ये बताएंगे। तो यहाँ दीदी हैं और बस हम लोग, हम ही चारों जा रहे हैं यहाँ इस गाड़ी में। बाकी सब चले गए हैं उस गाड़ी में, चार लोग। मस्ती कर गए। हाँ, मस्ती कर निकल गए हैं। आदि छोटा है ना, उसके रिद्धि के बराबर के बच्चे सब चले गए। रिद्धि अभी, कृष्ण तो बड़ा है, ये लोग सब में। और हस्बैंड जी भी आ गए ऑरेंज लेके। चलो, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मरचुला और यहाँ पे हम रुके हैं अभी नाश्ता करने के लिए। तो हम आए हैं कैफे बाय उपासना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और यहाँ पे हमने पराठे वराठे ऑर्डर किए हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में इतनी अच्छी धूप आ रही है। नीचे प्लेन्स में तो बहुत कोहरा हो रहा था जैसा कि आपने देखा। तो अभी हम लोग कौन कौन यहाँ पर है ये आपको दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। तो यहाँ दीदी को आपने देख लिया है, रिद्धि को वॉमिट करने का थोड़ा सा फील हो रहा है इसलिए रिद्धि को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ हस्बैंड जी, आदि, भैया और अभी भी वॉशरूम गए। अभी एंड क्रिशु है, क्रिशु को दिखाती हूँ। सो ये क्रिशु आज बिल्कुल हीरो बन रहा है। सो फाइनली पूछते भैया से, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं इको खेत। इको खेत जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मानिला इको खेत, ठीक है। रिद्धि, रिद्धि को वॉमिट वाला फील हो रहा है इसलिए रिद्धि थोड़ा सा इसको ट्रैवलिंग में टाइम में ऐसे हो जाता है। अभी ये इसके लिए ऑर्डर किया है हमने हनी चिली पोटैटो। से हाय। तो कैसा लग रहा है पिकनिक पे बताओ? बोलो भाई,
कैसा लग रहा है? हाथ से इशारा कर दो। सब बच्चे चुप है, अभी उनको कुछ लगा ही नहीं है, अभी उनको कुछ लगा ही नहीं, इंटरेस्टिंग अब मिल रहा है। बताओ कैसा लगा? ये ब्रेड पकौड़े ही आ गया, ब्रेड पकौड़ा। क्रिशु की डिमांड में पीछे आ जा, पीछे भैया के पास आया नहीं। सो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर में। और अभी मेरे साथ है पीछे क्रिशु, दीदी बैठ गई है दूसरी गाड़ी में, और चलो हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आज अपने पुराने गांव जिसका नाम है कलछीबा। और वहां पर ना एक बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है, तो वहां की आपको सैर कराने वाले हैं आज के व्लॉग में मैं। तो आज का ये हमारा स्मॉल लिटिल ट्रिप है, क्योंकि दीदी और क्रिशु अभी ने नहीं देखा है अभी तक हमारा पुराना गाँव, तो उनको घुमाने लेके जा रहे हैं आज हम वहाँ। तो चलो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। खिली खिली धूप आपको भी देखने को मिल रही होगी और हमें तो फील करने का मौका मिल रहा है फिलहाल। और नीचे बहुत कोहरा हो रहा था तो ठंडे से यहाँ थोड़ा धूप में राहत भी मिल रही है। और देख सकते हो मैंने बिल्कुल शीशा अपना ओपन करा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं डोटियाल और अभी हम वेट कर रहे हैं भैया की गाड़ी का, क्योंकि हम लोग तो पहुँच चुके हैं, भैया की गाड़ी थोड़ा सा पीछे है हमसे। तो फिलहाल हम वहाँ वेट करते हैं, आदि और पापा गए आगे। सो ये है डोटियाल। सो भैया की गाड़ी भी आ चुकी है। दीदी हम सबसे पहले पहुंच गए थे। 60 रुपए किलो चल रहा ना, फ्रेश 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 फ्रेश। सो ये रास्ता जाता है सराई खेत को और ये जाता है भिक्या सैन को। टाइम लगेगा अब पहुंचना, 10 किलोमीटर है बस। बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम, क्रिशु अभी, दद्दा और रिदू दद्दा दीदी ये सब टूरिस्ट हैं, ये सब टूरिस्ट हैं। मिनी ऑरेंज बहुत छोटू है लेकिन मीठे हो रहे हैं ना, आधी जितना छोटा। तीन अस्की हैं, अस्की पस्की। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं वत्स्यायना रिजॉर्ट, पास में ही है ये भी, कलछीबा का एरिया है। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है ये और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है और सामने हिमालय व्यू भी है। और कितना अच्छा लग रहा है ना, पहाड़ों में स्विमिंग पूल और बिल्कुल हिमालय के सामने, वो भी तो काफ़ी अमेजिंग है। मैं इसका थोड़ा सा टूर आपको कराती हूँ। यहाँ बच्चों को मिल गया है स्विमिंग पूल, हिमालय के सामने स्विमिंग पूल करते हुए बच्चे करना है। आदि ना 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 अभी यहाँ बैठ जाओ, ये आदि ने अपनी सीट ले ली है, इनका मजा कैसा लग रहा है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक टूर रूम का भी कराया जाए। फिलहाल हम जा रहे हैं गेमिंग जोन में, जो कि है इससे ऊपर, नीचे रिजॉर्ट, नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर गेमिंग जोन है। तो बच्चों को लेके जाते हैं गेमिंग जोन में, वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चे पहुँच भी गए हैं, हम लोग अब जा रहे हैं। चलो सो यहाँ से एंटर करेंगे। वाह, आदि को तो मिल गया अपना स्लाइड, ये देखो कैसे खेलते हैं। वाओ, आदि को तो अपना ये मिल गया है। Shoot!
सो यहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल चुका है खेलने के लिए और सब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भाई लोग, दोनों भाई यहाँ पे खेल रहे हैं। अब आदि को, मतलब कृषु को, कृषु का नाम भी आदि है तो इसको कुछ नहीं मिला है कहाँ पे गोल करे करके हर्षरी का। और ये छोटे छोटे ट्रैम्पोलिन भी है यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, और आदि को ये मिल गया। यहाँ लगा है हमारा लंच एरिया, हमारा हिमालय की गोद में, हिमालय की गोद में। सो फ्रेंड्स, हमारा लंच वंच हो गया और बहुत ही अच्छा लंच था, मतलब परफेक्ट, मसाला मिर्च सब कुछ परफेक्ट डाला हुआ था। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे सैर करने, यहाँ पे झूला भी है तो थोड़ा सा वॉक करते हैं थोड़ा सा और फिर निकलेंगे यहाँ से। यार देखो, सबको आज फोटो का क्रेज़ हो चुका है, तो ये भी यहाँ रोज़ के साथ। और यहाँ रोज़ बहुत वैरायटीज़ में है, देखो तो ये वाला रोज़ भी येलो रेड। हम निकल रहे हैं टहलने, ये देखो ये यहाँ पानी हो रहा है। आदि अच्छा लग रहा है, बहुत मजे लेता है यार। इतने में इतना डर जाता है ना, झूले में भी डर जाता है। सो आज हम झूले के मजे लेते हुए वहां पर और आदि अकेला, आदि बेचारा अकेला है। आदि अपने लिए कंपनी ढूंढ रहा है। आदि का साथ तो दे सकता है। पर कृष्ण फिलहाल कैमरामैन बना है। जोर से मत पटक देना कहीं। कहीं शॉट कृष्ण बैठा आदि उछल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम लोग तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन रिद्धि और अभी अभी तक गेमिंग जोन में ही एंजॉय करने में लगे हुए हैं। उनको पता भी नहीं है कि हम लोग यहाँ नीचे आ गए हैं। जरा सा यहाँ पे चल रहा है हमारा फोटो सेशन। मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल कम हो गई है और कृषु वहाँ बेचारा अकेला अकेला झूले पे झूल रहा है। हम लोग यहाँ पे आराम से अपनी फोटो खींचने में लगे हैं। ये वाला जो व्यू है ना, बहुत अच्छा है। तो चलो चलते भी हैं अब यहाँ से। 3:30 हो चुके हैं दिन के, लेकिन मतलब एक परफेक्ट डे रहा हमारा आज का यहाँ का। ये देखो कृषु अकेला अकेला। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं रिजॉर्ट से और हम काफी आगे आ चुके हैं, अप्रॉक्स मरछुला तक। मेरे कान बंद हो गए हैं सच में, बाय गॉड। और मेरा फ़ोन ना बिल्कुल डेड हो चुका था, बिल्कुल बैटरी खत्म हो गई थी, तो मैंने इसको चार्जिंग में लगाया था गाड़ी में। और मुझे ना अपनी आवाज़ गूंजी, मेरा एक कान सुन हो गया है बिल्कुल ही। तो फिलहाल भैया भाभी की गाड़ी ना पीछे है, अभी आई नहीं है। तो हम यहाँ थोड़ा सा बाहर निकल कर यहाँ का व्यू देख रहे हैं। बंदराण कोई एक प्लेस है, ये गाँव है। ओके, तो यहाँ का जब तक व्यू देख रहे हैं, मरछुला के पास है ये, और भैया भाभी के आने का वेट कर रहे हैं। आदि सो गया है, कृषु भी गाड़ी में, उसको भी नींद आ रही थी और सच में मुझे भी नींद आ रही थी। तो चलो बाहर आके थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो रहे हैं। और काफ़ी अच्छा लगा आज के टूर में, वो रिजॉर्ट बहुत अच्छा था। सो फ्रेंड्स, भैया लोग भी आ गए हैं और यहाँ पे ना देखो सनसेट हो चुका है अब, तो फिर धुंध जैसी होने लग गई है नदी के आसपास के एरिया में। सो नदी के पास वाले एरिया में यहाँ पे धुंध होने शुरू हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा घर को। चलिए फिर, तो यहाँ चल रहा है भैया का फेवरेट गाना और इनको देखो ठंडा लग रहा है, तब जाके गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे दोनों के दोनों है। देखो यहाँ ये दोनों आदि बाहर नहीं निकल रहे घर से, कहाँ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, हम लोग नाइट में सफर कर रहे हैं और सोच रही हूँ कि काश कभी ना कभी तो हमें बाघ दिखेगा, इसलिए मैंने अपना कैमरा स्टैंड बाय मोड में रखा है। आई होप मिल जाए। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाघ हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं बाघों की, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है। तो देखते हैं हमें आज मिलता है कि नहीं मिलता है। आदि पीछे से कह रहा है मैं बाघ हूँ। तो ये है, दो दो हिरन दिखे हैं हमें, लेकिन आज तक बाघ नहीं दिखे हैं। वाओ,
चलो कुछ तो दिखा। सो फ्रेंड्स चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस, तब तक के लिए बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।